साहिबा, इतनी रात गए आप यहाँ खुद आई हैं। मैं आपकी इमरजेंसी समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ? एडवोकेट साहब, मेरे पापा लॉकअप में हैं। आप ये बताइए कि जल्द से जल्द उनकी जमानत कैसे हो सकती है। बस देखिए, कोर्ट खुलने से पहले कोई भी कार्यवाही करना मुश्किल है। मान लीजिए इस वक्त मैं जमानत की अर्जी लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मजिस्ट्रेट हमारा कोई फेवर करेंगे। इसका मतलब सुबह होने से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। सॉरी इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब किया। चलो योगी। चलो। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं, किस तरह से मैं पापा को छुड़वाऊं। कई बार हालात अपने हाथ में नहीं रहती शक्ति, ऐसे में बहुत सी चीजें वक्त पर छोड़नी पड़ती हैं। फॉर हेवन सेक योगी, पापा इस वक्त लॉकअप में है, मैं सब कुछ वक्त पर कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ, और हम कर भी कह सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पुलिस स्टेशन जाकर अंकल से मिल सकते हैं। अरे किस मुंह से जाऊंगी मैं वहां, एक तो पहले ही ड्यूटी पर जाना मुश्किल हो गया है, ऊपर से मेरे सबॉर्डिनेट्स क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि शक्ति सिंह का बाप लॉकअप में है और शक्ति सिंह लाचारों की तरह उसे मिलने आई है। हाँ, जानते हो जाने से पहले पापा क्या कहकर गए थे? क्या कहकर गए थे बताओ ना। मेरी एक बेटी एसपी है और दूसरी कलेक्टर, लेकिन फिर भी मुझे इतनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक एसपी होते हुए मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रही हो ना। अरे क्या फायदा ऐसी कोशिश का योगी, क्या फायदा? इस तरह मायूस नहीं होती शक्ति, सुबह होने दो, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक कोर्ट नहीं खुलता हम कर भी कह सकते हैं। सुबह वकील जमानत की अर्जी दे देगा, अंकल घर आ जाएंगे। फिक्र मत करो, चंद घंटों की तो बात है। मेरे लिए फर्ज से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है पापा। मैंने ये नौकरी गैर कानूनी काम में आपकी मदद करने के लिए ज्वाइन नहीं की, और ना ही मैंने सच्चाई और ईमानदारी की शपथ इस दिन के लिए ली थी। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि अगर मैंने ट्रक नहीं छुड़वाया तो आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन ये गैर कानूनी काम मैं किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। देश के साथ बेईमानी करने वाले से बड़ा कोई बेईमान नहीं है। मैंने ये नौकरी गैर कानूनी काम में आपकी मदद करने के लिए ज्वाइन नहीं की। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि अगर मैंने ट्रक नहीं छुड़वाया तो आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन ये गैर कानूनी काम मैं किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। देश के साथ बेईमानी करने वाले से बड़ा कोई बेईमान नहीं है। मैंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने की शपथ खाई है। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि अगर मैंने ट्रक नहीं छुड़वाया तो आपकी जान भी जा सकती है। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि अगर मैंने ट्रक नहीं छुड़वाया तो आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन ये गैर कानूनी काम मैं किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती।